हेलो एवरीवन, हम स्टडी कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स और आज हम देखेंगे कि जो फ्लूइड पे है वो कौन कौन से फोर्स एक्ट करते हैं। ठीक है, फोर्स एक्ट्स ऑन ए फ्लूइड। ठीक है, तो फोर्स पे मेनली दो फोर्स फ्लूइड पे मेनली दो फोर्स एक्ट करते हैं। एक होता है सरफेस फोर्स और दूसरा है बॉडी फोर्स। ठीक है, सरफेस फोर्स और सेकंड है बॉडी फोर्स। ठीक, तो सरफेस फोर्स क्या होता है? ठीक है, सरफेस फोर्स उसे करते हैं जो सरफेस पे एक्ट करता है। ठीक है, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए फ्लूइड सरफेस इज कॉल्ड सरफेस फोर्स। ठीक है, तो सरफेस फोर्स होता है फोर्स। ठीक है, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए फ्लूइड, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए फ्लूइड सरफेस इज कॉल्ड सरफेस फोर्स। ठीक है, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए फ्लूइड सरफेस इज कॉल्ड सरफेस फोर्स। जैसे हम लोग देखते हैं जो हमारी बॉडी या कोई भी जो सब्सटेंस है वो सराउंडिंग के द्वारा घिरा हुआ रहता है और सराउंडिंग में जो एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है वो हमारे बॉडी पे जो नॉर्मल प्रेशर जो है नॉर्मल प्रेशर के रूप में एक्ट करता है, तो वो प्रेशर उस प्रेशर के द्वारा जो फोर्स एग्जर्ट होता है उसे ही हम लोग कहते हैं सरफेस फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट है बॉडी फोर्स, इसे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो बॉडी फोर्स देखते हैं, बॉडी फोर्स और इसे ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं। फोर्स तो ये क्या होता है, थ्रू आउट द मास ऑफ द फ्लूइड फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी इज कॉल्ड बॉडी फोर्स। ठीक है, जो जो बॉडी के जो मतलब फ्लूइड के खुद के मास के द्वारा जो उस पर फोर्स एक्ट करता है, ठीक है, उसे ही हम लोग कहते हैं बॉडी फोर्स। ठीक है, इसको थ्रू आउट द मास ऑफ द फ्लूइड फोर्सेस एक्ट्स ऑन ए बॉडी, मास ऑफ द फ्लूइड फोर्सेस एक्ट्स ऑन बॉडी इज कॉल्ड बॉडी फोर्स। ठीक है, ये बॉडी फोर्स कैसे आता है, ये जनरली ग्रेविटी के कारण होता है। ठीक है, जैसे कोई भी फ्लूड या कोई भी सब्सटेंस है या हमारी बॉडी पे ही देखते हैं जनरली जो है एक ग्रेविटी फोर्स कार्य करता है। ठीक है, तो यह जनरली ग्रेविटेशन के कारण होता है, इट्स हैपन जनरली ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, या ग्रेविटी के कारण होता है। तो ये था जो फ्लूइड पे जो फोर्स एक्ट करते हैं उसके बारे में। तो आज के टॉपिक में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।